you're watching Expose India. देश के चार राज्यों में रविवार देर शाम आंधी तूफान ने जमकर कहर मचाया। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान में 68 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान ने ढाया कहर। पब्लिक सेक्टर के विजया बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को दिए गए कर्ज को जनवरी मार्च 2018 तिमाही में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA घोषित किया है। रिलायंस नेवल के ऑडिटर्स ने हाल ही में कंपनी का वजूद बने रहने को लेकर आशंका जाहिर की। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज वोट डाले जा रहे हैं। कई इलाकों में बमबारी, मारपीट, मतदान पेटी जलाने और मारपीट जैसी हिंसक घटनाओं की खबरें भी आ चुकी हैं। कुछ बिहार में ममता सरकार के मंत्री रविंद्रनाथ घोष पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी समर्थक को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा है। कर्नाटक चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद तेल कंपनियों ने आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बोझ डाल दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 19 दिन बाद बदलाव किया है। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे वही डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के चुनावी अभियान को धार देने के लिए आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों, केंद्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के सभी मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।